दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में चेहरे को छिपाए ऐसे शातिर लुटेरे हैं जो डेटिंग जाओमो ऐप पर पहले लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उनका विश्वास हासिल करते। जब लड़की उन पर विश्वास करने लगती तो मिलने के लिए उनके घर जाते और फिर वहां लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते। दरअसल दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा है। इन अपराधियों का नाम कमल कुमार और राहुल है। राहुल विपिन गार्डन में जिम चलाता है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए गहने, दो मोबाइल, एक क्रेटा कार, चोरी की स्कूटी और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों ने इसके पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें ज्वेलरी शॉप लूट की भी घटना शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 31 मई को एक महिला ने शिकायत दी कि उसके साथ लूटपाट हुई है। उस महिला ने जो शिकायत पुलिस को दी उसके मुताबिक उसकी मुलाकात डेटिंग जोमो ऐप पर एक युवक से हुई। आरोपी ने अपना नाम जतिन बताया था। इसके बाद 30 मई को जतिन ने मिलने की जिद की। फिर महिला ने 30 मई की रात जतिन को अपने घर बुलाया। जतिन वहां अपने साथ एक दोस्त को भी ले गया। महिला का आरोप है कि पहले इन दोनों ने उसके हाथ पांव बांध दिए, फिर कैश और जेवर लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करी। पुलिस ने जतिन की पहचान के लिए डेटिंग ऐप से उसकी प्रोफाइल निकाली। प्रोफाइल से उसके लॉगिन आईडी के बारे में पता किया। तब पुलिस को पता चला कि इसका नाम जतिन नहीं बल्कि राहुल है और वो विपिन गार्डन में जिम चलाता है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहुल और उसके साथी विजय को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटे गए माल को भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।